आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो डॉक्टर, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब हमने अमोनिया को AgCl में डाला, सो इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके लिए करेक्ट होगी, फाइन, ये आपको यहाँ पर बताना है, फाइन। सो देखो, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। देखो, होता क्या है कि ये हमारे पास क्या है, वी हैव दिस हेयर AgCl, इसमें हमने क्या किया है, हमने अमोनिया डाल दिया, फाइन। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बेसिकली 2 moles अमोनिया के डालते हैं और हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, हमारे पास बनता है AgNH3 4 2 आपके पास क्या है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, AgNH3 4 2 टू पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, प्लस आपके पास यहाँ पर क्या है, Cl नेगेटिव जो है वो आपके पास यहाँ पर अनायन फॉर्म होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो आपके पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ये आपका क्या करेगा, Cl नेगेटिव के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, बेसिकली मतलब कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पर कंबाइन करेगा। सो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा AgNH3 2 और बाहर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, Cl नेगेटिव, फाइन, ये आपको यहाँ पर दिखने वाला है, मिलने वाला है। वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर +2 charge नहीं आएगा आपका, वो आपका +1 charge आने वाला है, फाइन। सिमिलरली यहाँ पर आप +1 charge दिखाओगे बिकॉज आपके पास एक Cl नेगेटिव आया है ना, सो एक पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर आप ऐसे दिखा दोगे, यहाँ पर नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऐसे कॉर्डिनेशन कंपाउंड जो है फॉर्म हो गए, फाइन। सो यहाँ से आप ये कहोगे कि आपका बेसिकली क्या है, आपका जो AgCl होता है ये आपका क्या कर जाता है, डिजॉल्व कर जाता है अमोनिया में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसकी फॉर्मेशन की वजह से आपका AgCl जो है वो अमोनिया में डिजॉल्व हो जाता है। सो आप कहोगे कि जब हमने अमोनिया AgCl में डाला, सो आपका AgCl डिजॉल्व कर जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है, और आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, दैट इज AgNH3 4 2 Cl जो है आपका फॉर्म होगा, मतलब ऑप्शन 3 भी आपकी क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ओवरऑल अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूंगी, सो वो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा 4 होगा, बिकॉज वो कह रहा है कि बोथ C स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है, फाइन। सो मतलब ऑप्शन 4 आपका क्या है, फाइनल आंसर होगा। बाकी आपकी जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में स्टेटमेंट्स है वो आपकी करेक्ट है, ऑप्शन 2 वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, फाइन, बट आपका ऑप्शन 4 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेरी, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।